नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम मिरकर हेल्थ इज वेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं घुटनों के दर्द के लिए उपयुक्त होम रेमेडीज। हम अपने रोज के काम में इतने व्यस्त हो गए कि जिसके वजह से हम अपने आप पे समय नहीं दे सकते, जिसके चलते गर्दन दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द आदि अनेक जोड़ों के दर्द से हमें सामना करना पड़ता है। ऐसी अनेक शारीरिक व्याधियाँ और उनके बाय प्रोडक्ट थकान, स्ट्रेस, ऐसी मानसिक व्याधियाँ भी इसमें आती है। और इससे बचने के लिए हम हाई पावर की पेन किलर या स्टीरॉयड या अन्य दवाइयों का उपयोग करने लगे हुए, जिसके नतीजे से हमारे लीवर, किडनी या मस्तिष्क पे फर्क पड़ने लगा हुआ है, उसका साइड इफेक्ट होने लगा है। आज हम इन्हीं घुटनों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए ऐसी कुछ होम रेमेडियाँ देखेंगे जिसमें आप आपके डॉक्टर के पास जाने तक या फिर उसके बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते। रोज़ की ज़िंदगी में इतनी सारी दवाइयों से हम जानकार नहीं होते जितनी हमारे घर में वो पड़ी रहती है। तो आज हम उन्हीं दवाइयों का, उन्हीं साहित्यों का इस्तेमाल देखेंगे, आज घुटनों के दर्द के लिए किस प्रकार वो हमें लाभदायक हो सकते हैं। अभी देखते हैं घुटने का जो दर्द है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। घुटने पे सूजन होना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ और चलने में भारीपन, साथ में ही घुटनों पे चलते वक्त या उठते बैठते वक्त कट कट इस प्रकार का आवाज आना। तो आइए देखते हैं घुटनों के दर्द के लिए कौन से होम रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इलाज एक, नारियल का तेल या फिर ऑली ऑयल को गुनगुना करें और जिस घुटने का दर्द है उसे मसाज कीजिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपका जो दर्द है वो कम होने में मदद होगी। इलाज नंबर दो, एक चम्मच हल्दी और एक गिलास पानी, दोनों को मिलाना है ठीक से और रोज़ रात को उसका सेवन करना है सोने के पहले, जिससे घुटनों के दर्द के लिए आपको काफ़ी सहायता हो सकती है। मेथी के दाने को भूनना है, उसका पाउडर बनाना है, उसको पानी में मिला के उसका पेस्ट बनाना है और जो घुटना दर्द होता है उस पे वो पेस्ट को लगाना है, जिससे आपके घुटने का दर्द कम होने में काफ़ी मदद होगी। या फिर मेथी को पानी में भिगोना है, सुबह खाली पेट उस पानी को पीना है और उस मेथी के दाने को चबाना है, ये एक महीना करना हुआ है, जिससे आपके घुटने के दर्द पे काफ़ी मदद होगी। आलू को छिलके के साथ काटकर रात को भिगोना है, जो पानी बचेगा वो सुबह में खाली पेट रोज उसका सेवन करना है, जिससे घुटने का दर्द आपको कम हो सकता है। मस्टर्ड, जिसे हिंदी में सरसों कहते हैं, मराठी में मोरी कहते हैं, उसमें एक कप तेल को कपूर डाल के उसको उबालना है, वो तेल जो है वो गुनगुना होने के बाद उसका मसाज करना है, जिससे आपके घुटने का दर्द कम हो सकता है। पारिजात का वृक्ष, जिसके 5 से 6 पत्ते, उसको पीसना है, पीसने के बाद एक गिलास पानी में उबालना है, ये इतना उबालना है जब तक वो आधा पानी ना हो जाए और ये पानी का सेवन हर सुबह में करना है खाली पेट, जिससे हर जोड़े का, हर घुटने के दर्द का दर्द कम होगा और इसी तरह घुटने के दर्द में ये पारिजातक बहुत फलदायी होता है। हर रोज़ ये पारिजात का पानी नया बनाना है। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रीतम मिरकर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए थेरेपी के साथ। नमस्कार।